अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबुला हौरी। दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है कि भाई कोई बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दे। अब ये वो क्वेश्चन है जिसको सुनने के बाद मेरी अपनी हवा टाइट हो जाती है कि भाई कहाँ से बताएं। यूज्ड में तो बताता ही रहता हूँ टाइम टू टाइम आपको, बट जो न्यू में पिन पैक फ़ोन की कैटेगरी है वो टोटली वाश्ड आउट हो गई है। मतलब 60-70 हज़ार रुपये तक भी कोई ढंग का कैमरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है। मतलब जो सिचुएशन चल रही है, टैक्सीज के मामला हो जाए, इम्पोर्ट बैन हो जाए, और ब्रांड्स का भी कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा, वो भी टोपियाँ घुमा रहे हैं स्नैपड्रैगन 680 की या G96 की। तो ऐसे में जिस फोन को मैं रिव्यू करने वाला हूं आज, वो कैमरा कैटेगरी का बड़ा सॉलिड प्लेयर है और वो है Google Pixel 4 XL। काफ़ी डिमांड आ रही थी इस फ़ोन को रिव्यू करने की, लोग कैमरास के लिए लेना चाह रहे हैं कोई अच्छी सी डिवाइस, तो ये फ़ोन कितने में मिलता है, पैच वाला मिलता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, PTA टैक्स कितना है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कर दिया करें हमें। और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे जब वीडियो आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्राइसेज हैं पिक्सल फोन्स की, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती हैं, बिकॉज ऑफिशियल तो आते ही नहीं है पाकिस्तान में, किट्स की शक्ल में इंपोर्ट होते हैं, रीफब क्वालिटी होती है। और दो वेरियंट्स हैं, 6GB 64GB वाला अच्छी कंडीशन में है, 10x10 नॉन PTA में है, तो ये 40 के आसपास मिल जाता है। और अगर यही 6x64 वाला PTA पैच हुआ है तो ये 45 के आसपास मिल जाता है। अब पैच फोन्स मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बट ये आजकल लोग कहते हैं भाई मजबूरी बनी हुई है, टैक्सीज इतने हैवी हैं, मतलब जलाद किस्म के टैक्सीज हैं, क्या करें। तो मैं आपको जस्ट डिसएडवांटेजेस बता सकता हूं आगे पैच फोन्स के, वो मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूं। और दूसरा जो 6x128 वाला, ये भी डिफरेंट कंडीशन से होता हुआ 45-50 की कैटेगरी में आता है। अब जो लुक एंड फील है इस फोन का, वो नो डाउट काफ़ी प्रीमियम है, बिकॉज ये 2019 का फ्लैगशिप फ़ोन है गूगल का। खैर, अभी तो 2022 चल रहा है तो आगे भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा इस फोन का, स्पेशली ये जो ऑरेंज कलर है ना, एक यूनिक कलर लगा, दिखने में अच्छा लगा और मैट फिनिश के साथ है। इसके अलावा इसका एक वाइट कलर है, वो भी मैट फिनिश में है, जो ब्लैक वाला ग्लॉसी में आता है थोड़ा। और बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, साइड फ्रेम एल्युमिनियम का है, डिवाइस पतली है, ज़्यादा वजन नहीं मैं कहूँगा, 190 ग्राम के आसपास है, तो वेट बैलेंस अच्छा है, इन एंड फील सॉलिड है फ़ोन की। और पावर बटन को ये जो डिफरेंट कलर का टच देते हैं ना, ये चीज़ अच्छी लगती है गूगल के फ़ोन्स में। और IP68 की सर्टिफिकेशन जो होती है इन फोन्स में, वाटर और डस्ट की रेजिस्टेंस, अब ये रीफब होके आ रहे होते हैं, क्वालिटी का नहीं पता होता कि खुले तो नहीं हुए, कहाँ पे किसने खोला है, क्या पार्ट्स मैनिपुलेट हुए हैं। एक बार कोई फ़ोन ओपन हो जाए तो उसकी वाटर पैक की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप रीफब फोन ले रहे होते हैं तो पानी वानी में ना डाल के देखा करो। और जहाँ तक रहेगी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात, तो इन रीफब फोन्स की पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, बिकॉज रंग बिरंगी रीफब कंडीशन में होते हैं। तो जब गूगल पिक्सल के फोन्स के केस में आप इनको लेने जाते हो ना, तो इनकी जो बैक है, अगर सस्ते वाला ग्लू लगा हो ना नीचे, तो वो उठी हुई होती है ऊपर को। तो यही डिफरेंस है, जब ब्रांड रीफब करता है तो वो 100 रुपए वाला ग्लू लगाता है, और जो लोकल रीफब होते हैं वो 2 रुपए वाला ग्लू लगाते हैं। अब कुछ दोस्त मुझे पूछते हैं पैच वाले फोन्स में क्या इश्यूज आ जाते हैं वो बताएं। गूगल पिक्सल फ़ोन के सिनेरियो में बात करूं तो ये अगर आपने VIP अप्रूव्ड या पैच अप्रूव, जो भी टर्म्स मार्केट में यूज़ होती हैं, वो लिया हुआ है, तो रीसेट करने पे इसका पैच ख़त्म हो जाता है गूगल पिक्सल फ़ोन्स का। एंड्रॉयड फ़ोन ऐसी चीज़ है, कुछ टाइम के बाद इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई रोले आ जाते हैं बीच में, उसको रीसेट करना ही पड़ता, तो रीसेट किया, पैच किया। और उसके बाद जो है इसका सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करने पे भी पैच ख़त्म हो रहे हैं, कुछ यूज़र्स की तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऑल्दो अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, उनका कोई इशू नहीं है। पैच फोन्स के ऊपर ना मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो। अब कुछ यूज़र्स की तरफ से मुझे कहा जाता है, हालांकि मैं पैच फोन्स को प्रमोट नहीं करता, इंडोर्स नहीं करता इनको, लेकिन कुछ यूज़र्स की तरफ से कहा जाता है भाई फिर PTA के टैक्सेस भी तो देखो ना कितने हैवी हैं। अब ये फ़ोन 40-45 की रेंज में नॉन PTA परचेज किया गया, और इसका जो PTA टैक्स है वो 71,000 रुपये है। लाइक लिटरली शॉकिंग टैक्स है जो PTA चार्ज कर रहा है, को थोड़ा सा PTA वालों को भी ख्याल करना चाहिए। और एक iPhone X आ जाता है आज के टाइम पे PTA प्रूव वाला, तो उसका भी PTA जो टैक्स है वो इतना ही है। और अगर आप पिक्सल फोन यूजर है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इसी तरह के जो पैच वाले पिक्सल फोन है वो यूज करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका, वीडियो के कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। डिस्प्ले डिज़ाइन इस 2019 के फ्लैगशिप का 2022 में थोड़ा पुराना फील होता है, लाइक उस टाइम पे तो ये डिज़ाइन चल रहे होंगे, आजकल ज़रा पंच होल ड्यू ड्रॉप नॉच टाइप का ज़माना है, तो मोटा सा बेजल थोड़ा पुराना लगता है ऊपर वाली साइड पे। समटाइम फील आता है कि पता नहीं चिन उल्टी लगा दी है ऊपर वाली साइड पे। बट जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। POLED पैनल है, क्वाड HD प्लस के रेजोल्यूशन है, 537 की PPI डेंसिटी है, काफ़ी क्रिस्प है, कलर एक्यूरेट है, बेहतरीन है, विंग एंगल्स है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बेहतरीन है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो, वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आता है, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर आप HDR में प्लेबैक ले सकते हो, HDR सर्टिफाइड ये स्क्रीन है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है मल्टीमीडिया के ऊपर। और स्पीकर की जो क्वालिटी, लाउडनेस है साउंड की, वो भी काफ़ी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर है इसके अंदर।
साउंड की क्वालिटी और लाउडनेस वेरी गुड, और जो स्पीकर बैलेंस है 60-40, और उसके अलावा 90 हर्ट्ज पे काफी स्मूथ चलता है, बेहतरीन चलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर मिल जाता है, परमानेंट आप उसको यूज कर सकते हो, और जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है वो काफी जबरदस्त है, जो प्रीमियम वाला हैप्टिक एक्सपीरियंस है ना, ठक ठक वाला, वो मिलता है जो मैसेज वगैरह टाइप करते हुए या थ्रू आउट पूरी यूआई के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया गया है। और इस फोन में ना तो कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और ना ही कहीं पे फिजिकली दिया गया है, और सिर्फ फेस आईडी की ऑप्शन है, और 2022 में फेस आईडी की ऑप्शन इतनी भाई रिलायबल नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर का ना होना आई थिंक इस फोन का एक बिगेस्ट कॉन है। परफॉर्मेंस वाली साइड भी काफ़ी सॉलिड है, बिकॉज जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 855 का, वो स्टिल एक फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट है, 7 nm के ऊपर है, पावर एफिशिएंसी तो देता है और पावरफुल यूज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। मैंने इस फोन को विदाउट गेमिंग भी लाइक हैवी यूज़ करके देखा, मल्टीमीडिया, सोशलाइजिंग इधर उधर, मुझे कहीं पे भी कोई इशू नज़र नहीं आया। छोटा सा आपको मिनी गेमिंग रिव्यू भी दे देता हूँ। 100% पे बैटरी है और मैं कुछ गेमिंग करने लगा हूँ। 4,02,000 इसके एंतुतु हैं, तगड़े हैं। फ्रंट पे जो टेम्परेचर है वो 34-35 डिग्री के आसपास है, मैं थोड़ा यूज़ कर रहा था फ़ोन को, और बैक पे भी यही कहानी है यहाँ पे। और जो ग्राफिक्स हैं HD HDR तक एक्सट्रीम 60 FPS तक जाते हैं, अल्ट्रा HD अल्ट्रा के साथ भी अवेलेबल है, तो मैं स्मूथ एक्सट्रीम खेलूंगा। जायरो कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है, ऑब्वियसली फ्लैगशिप फ़ोन है तो ऐसी चीज़ें तो फिट होती हैं इनके अंदर। और गेम प्ले यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पहले मैंने अरीना खेले हैं TDM मैचेस, ताकि आपको एक ना क्विकली आइडिया मिले इसकी परफॉर्मेंस का। स्नैपड्रैगन 855 का फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है, ऑब्वियसली ये कैमरा फ़ोन है, बट गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज चिपसेट हैवी है। कुछ लोग कहेंगे कि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, तो भाई परफॉर्मेंस अरीना पे काफ़ी अच्छी मिल रही थी। FPS हल्के फुल्के ड्रॉप हो रहे थे जब थोड़ा सा वार्म होना स्टार्ट हुई डिवाइस, तो मैं FPS मीटर भी लगा लिया इसलिए, ताकि आपको क्लियरली थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बट गेम प्ले अच्छी रहती है जब तक इसकी बैटरी आप फुल चार्ज करके खेलते हो, और कोई 50% तक ना, 50-55% तक अच्छे FPS मिलते हैं, बट थोड़ा थोड़ा फिर FPS ड्रॉप बढ़ जाता है इसका। तो ये चीज़ें हैं, हाँ गेमिंग फ़ोन ना कंसीडर कीजिएगा इस फ़ोन को, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। FPS ड्रॉप जो हो रहे हैं वो आप देख लें स्क्रीन पे, फायर कनेक्टिविटी, फायर रेटिंग, कोई टच मिसिंग वाले इशूज़ नहीं है, बेहतरीन यहाँ पे था। और 90 हर्ट्ज़ का ये पैनल है, जो टच रिस्पॉन्स है वो भी लाइक काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस TDM के ऊपर अच्छी मिल रही थी, बैटरी अच्छी है इस टाइम पे। और बूट कैंप पे ऊपर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा हॉट ड्रॉप करके, क्योंकि कुछ यूज़र कहते हैं अक्सर कि बूट कैंप के ऊपर छलांगे लगाया करो भाई, तो ये देख लो भाई, इसको मैं कट नहीं कर रहा कहीं से भी। FPS के ऊपर आप नज़र रखो, और नीचे लैंड होते तक कितने इसके FPS 51 तक तो आपने देख लिया, और बैटरी ड्रॉप होती है भाई। और जैसे ही इसकी बैटरी अभी 80s प्लस में है, और अगर 50 के आसपास चली जाती है, तो बैटरी फिर FPS मतलब गेमिंग में ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं हार्डकोर गेमर्स जो है ना, जो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, उनको नहीं इतना रिकमेंड करूँगा। वैसे परफॉर्मेंस ठीक है इसकी। हाँ, कैमरा वाली साइड से आगे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे उतरते साथ ही 43 आपको नंबर नज़र आ गया FPS का, तो FPS जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट नीचे उतर के चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और गेम प्ले मैंने यहाँ पे पूरा खेला है, कंप्लीट किया है, काफ़ी हद तक अच्छा और प्लेबल गेम प्ले है, क्योंकि बैटरी भी इसकी मेरी ऊपर ही है अभी 80s के, और टेम्परेचर भी इतना गेन नहीं किया, 39 के आसपास है, बैक पे भी 36-37 के आसपास है। बैटरी देखें 40 मिनट गेम प्ले के बाद 85% पे आई है। तो हाँ, गेमिंग पे इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन होती है भाई। कैमरा की तरफ आता हूँ, जो इस फोन की मेन हाईलाइट है, बैक पे डुअल कैमरा सेटअप है, 12x2 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है प्राइमरी, OIS की सपोर्ट के साथ आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और दूसरा 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये टेलीफोटो सेंसर है और ये भी OIS की सपोर्ट के साथ आता है। और फ्रंट साइड पे मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। ये मैं डे लाइट फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, पिक्सल 4 XL की, काफ़ी कमाल की डिटेल्स ये लेता है, काफ़ी प्यारी डायनेमिक रेंज है इसके कैमराज की। डे लाइट में लाइक जो हार्श लाइटिंग है, लाइट कंट्रोल है अगेंस्ट द सनलाइट काफ़ी अच्छा है, डिटेल्स भी अच्छी हैं, डार्कर एरियाज में हाईलाइट भी अच्छी मैनेज करता है, ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक फ्लावर्स की लो तो एजिस बड़ी फाइन डिटेक्ट करता है, क्वालिटी अच्छी है। और उसके अलावा जो सैंपल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, और क्रॉप एंड जूम करने पे भी जो डिटेल्स हैं ना वो बड़ी मज़े की रहती हैं, और मज़ा आया इसके कैमराज के ऊपर। और दूसरा जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है ना, उसकी पिक्चर्स अगर आप लेते हो तो स्किन टोन बहुत नेचुरल रखता है, आर्टिफिशियल ट्यूनिंग या सैचुरेट नहीं करता किसी तरह से भी, अच्छी लगी, हल्का फुल्का वार्मर सा टिंट रहता है सम टाइम पे। और जो पोर्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, DSLR टाइप के पोर्ट्रेट्स आप कह सकते हो इसका कैमरा लेता है अपने टेलीफोटो सेंसर से, एजिस हल्की
हल्की डिस्टर्ब होती हैं बिजी बैकग्राउंड में, बट ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी मज़े के आते हैं। और लो लाइट में ये सेल्फी ले रहा हूँ इसके कैमरा से, नाइट मोड ऑन करते ही ज़रा कलर ट्यूनिंग थोड़ी सी वार्म और अच्छी कर देता है, पोर्ट्रेट अपना भी अच्छा काम करता है बैक साइड से लो लाइट में। जो नाइट मोड है ना वो बहुत मज़े का यार, इसका जो जी कैम है ना गूगल की जो कैमरा प्रोसेसिंग है बहुत मज़े की है, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है इनकी, लाइक डिटेल्स को भी रिस्टोर कर देता है, नॉइस को भी कम कर देता है, क्वालिटी को बड़ा मेंटेन कर देता है एकदम। सेल्फी जो है अगेन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, गूगल जो है वो मेगापिक्सल की वार में नहीं घुसता, बट अगेन 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा अच्छी सेल्फीज लेता है, पोर्ट्रेट्स भी अच्छे लेता है, ब्लर भी काफ़ी नेचुरल लग रहा है और अच्छा लग रहा है, सेल्फीज अच्छी निकल के आ रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हो लो लाइट में, तो लो लाइट में ये है कि थोड़ी ही सॉफ्ट आती है पिक्चर 8 मेगापिक्सल की वजह से, बट ठीक है। और नाइट में देखो डिफरेंस, देखो नाइट मोड के साथ क्या आता है और अच्छी डिटेल्स आ जाती हैं। वीडियोग्राफी वाला जो साइड है ना इस फ़ोन की वो भी काफ़ी सॉलिड है, ये आप देख सकते हो। OIS ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन मिलती है, काफ़ी स्टेबल वीडियोज़ हैं 1080p 60fps पे, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की आप देख सकते हो, तो अच्छी जो वीडियोग्राफी इसके कैमरा से आप निकाल सकते हो। स्लो मोशन भी काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे और 1080p पे निकालता है। एडिट की ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई, बट अगेन जो कैमराज हैं इस फ़ोन के वो मुझे आउट क्लास लगे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये प्योर एंड्रॉयड के साथ आता है, स्टॉक एंड्रॉयड, कोई थीमिंग स्किनिंग नहीं है, कोई फजूल की ब्लॉटवेयर ऐप्स नहीं है, कोई एड्स का इशू नहीं है, बिल्कुल क्लीन सा इंटरफेस है, काफ़ी सिंपल और अमेजिंग किस्म का यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन 2019 में लॉन्च हुआ था और अभी करंटली ये एंड्रॉयड 12 के ऊपर अपडेटेड है, और क्योंकि ये घर का फ़ोन है गूगल का, और एंड्रॉयड 13 की अपडेट आने के भी पूरे चांसेस हैं, बिकॉज जो गूगल पिक्सल के फ़ोन होते हैं ना इनको एटलीस्ट 3 मेजर अपडेट्स मिलती हैं एंड्रॉयड की। बैटरी जो है इन फ्लैगशिप फ़ोन का एक डाउनसाइड ही रहा है, लाइक इसमें भी 3700mAh की बैटरी है 3700mAh की, ओबियसली ये नंबर थोड़ा है, 5000mAh तो स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल। और वाईफाई पे यूज़ करते हुए 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे इसके ऊपर मिल रहा था, और अगर डेटा कनेक्शन पर यूज़ करो तो फिर जल्दी जाती है इसकी बैटरी। बट मेरे पास ये जो रीफअप क्वालिटी है ना इस फ़ोन की, ये काफ़ी बेटर क्वालिटी में मैंने बाय किया हुआ है, और बैटरी हेल्थ इसकी अच्छी है, तो इसकी बैटरी किसी हिसाब से ही जाती है, कोई पानी की तरह नहीं जाती। तो यस, कहा जा सकता है कि 2022 में बैटरी इसका एक डाउनसाइड हो सकता है। वोल्टी ई का सपोर्ट भी मैंने इस फोन में नहीं देखा, वॉइस ओवर LTE जो होता है, और 4G+ भी मिसिंग पाया मैंने इस फोन में, बट मैंने इसकी डेटा कनेक्शन पर स्पीड टेस्ट की है, लाइक तबाही किस्म की स्पीड आती है, जो 4G+ वाले फ़ोन हैं उनके कंपैरेटिवली भी ज़्यादा स्पीड आ रही थी इसमें। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि Pixel 4 XL कैमरा कैटेगरी का एक सॉलिड फ़ोन है, ठीक है। बाकी गेमिंग के लिए ना इसको लेना, चिपसेट सॉलिड ही है, बट FPS ड्रॉप होते हैं, बैटरी छोटी है, परसेंटेज नीचे आती है, तो फिर मसले आते हैं। अदरवाइज हैवी यूज़ करोगे तो वहाँ पे चीज़ें ठीक रहती हैं, अरीना के मैचेस में ओके है। और जो डिज़ाइन है फ्रंट साइड से डिस्प्ले का वो थोड़ा सा पुराना है, और 64GB स्टोरेज इसकी कम रहती है। और अगर बात आती है नॉन PTA वर्सेज पैच अप्रूव्ड वाले की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि नॉन PTA ले लो, छोटा सा फ़ोन रख लो साथ में उसका, वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट चला लिया, और पैच वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं पे रीसेट कर दिया तो पैच खत्म है, या सिक्योरिटी अपडेट से पैच खत्म है, तो ये चीज़ें हैं। 64GB स्टोरेज भी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। और रीफअप क्वालिटी में जब ये किट फोन्स आते हैं ना, तो मार्केट में रंग बिरंगी क्वालिटी है भाई, ये चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी अच्छे से, अगर चेक करना नहीं आता तो मत लो फिर इन फोन्स को। शॉपकीपर नहीं आपको बताएगा, वो आगे आपके 4-5 पीस रख देगा, उसमें से आपने ही निकालना है, जो भी निकालना है, अच्छी चीज़ निकाली वो भी आपकी है, बुरी निकल आई तो वो भी आपकी है। रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाए शॉप वाले से अच्छी बात है, अगर कुछ आपको मतलब ट्रस्टेड शॉपकीपर हो तो फिर उसी से बाय करो, और बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कैमरास के लिए लेना चाहते हो तो देख सकते हो, बिकॉज आजकल 40-50 की रेंज में छुट्टी किस्म के कैमरा फोन्स आ रहे हैं, मतलब फ़ोन ही नहीं है कैमरा के लिए जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। हाँ, कैमरा इसके मुझे अच्छे लगे हैं, और जो चीज़ें थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, कैमरा के लिए ले सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।